ये है कि आपने तीन बातें कही कि खाद की कमी नहीं है, बंटने की एक प्रक्रिया उसके तहत बंट रहा है, तीसरा आपने कहा कि पर्याप्त है जी। अब मैं आप यहीं हम बैठे हैं, बाहर जो किसान है उसमें से 40 एक ही गांव के, उनने कहा कि भैया हम 6-6 दिन से लाइन में लगे हैं। उसी लिए तो आपको वो अवगत कराना चाहते थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं, सुनो आप हम इतनी बात ही नहीं, आप अगर आते तो हम 5 मिनट आपको ज्ञापन देते हैं, अगर बात करते हैं विधायक की जो वेदना है वो समझते हैं, खाद की स्थिति समझते चले जाते। आपने एक लाइन एक ली कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, जनप्रतिनिधियों की हैसियत नहीं, मैं कलेक्टर हूँ, आप कलेक्टर है उसका अपना सम्मान है, संविधान है, प्रशासन का अपना एक महत्व है, उसकी इज्जत करना हमारा भी धर्म है, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, पर कलेक्टर की भी एक मर्यादा जनप्रतिनिधियों के सम्मान की होती है। अगर इतने लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो मैसेज देना चाहते हैं कि अहंकारी हो रहा है प्रशासन, तो आपने दर्शाया एक चीज है नहीं। अब आपने कहा यहाँ पे खाद है, इसलिए विरोध करूंगा कि मैं ये जो आप बात कर रहे हैं मैं रोड पे बात नहीं कर सकता, ये रोड पे नहीं करनी थी बात, रोड पे कर रहे आपकी अपेक्षा थी, आपकी अपेक्षा थी रोड पे बात कर रहे, मतलब आप ईश्वर है जो अंदर की बात से समझ लेते हैं। क्या आपका कलेक्टर रोड है क्या? कलेक्टर दरवाजे पे बैठे विधायक एक सोसाइटी में फोन लगा किसी में भी कहना कि क्या है सर, कितनी दे रहा है किसानों को खाद दी जा रही है जबकि एक बीघा के अंदर 2 बोरी कम से कम लगती है। क्या है पहले जब गेहूं बोते हैं उसका पानी देते हैं 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, फिर 20 दिन बाद दूसरा पानी देते हैं फिर 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, और 5 हेक्टेयर पे 2 बोरी का तो आपका और प्रशासन दावा कर रहा है और आप कह रहे हो पर्याप्त खाद है, ये पर्याप्त है सर? ये किस एंगल से पर्याप्त है बताओ मुझे। निर्देश दिए गए थे भारत सरकार के किसान प्रति माह 50 बैग उर्वरक दिए जाएंगे, शुरुआत थी अभी 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी छोड़ी, अभी आप क्या दे रहे हैं, आपने 1 हेक्टेयर दे रहे थे पिछले 1 हेक्टेयर पे 2 बोरी दे रहे हैं। ऐसे बदतमीजी से प्रशासन ने बात की इनसे हम बात ही नहीं करेंगे, जनप्रति इनको विधानसभा में इनकी शिकायत करो, सारे विधायकों से एक साथ मिलकर इनकी शिकायत करेंगे। 2 बोरी 1 हेक्टेयर।